हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, द्विघात समीकरण का 5 वीडियो हम पहले डाल चुके थे, आज इसका छठा वीडियो में हम है ना आप लोगों को सिखाएंगे कि द्विघात समीकरणों का मूल पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है। इस वीडियो में हम क्या सिखाएंगे कि द्विघात समीकरणों का मूल पूर्ण वर्गन बनाने की विधि द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है। इससे पिछला जो वीडियो था, 5वां लेक्चर, उसमें हम सिखाए थे गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात किया जाता है, और इस वीडियो में और 6ठा लेक्चर में हम बताएंगे कि द्विघात समीकरण का मूल ऐसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है। समझ में बात आया? तो चलिए है ना, हम लोग देखते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है, कैसे हम लोग सवाल को बनाते हैं। दो सवाल हम लिए यहाँ पर, कितना सवाल लिए हैं? दो सवाल। हम एक सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? गौर से देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिए, आप लोग पूरा समझ में आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। 2x² - 7x + 3 बराबर कितना होता है? 0 दिया हुआ है। कह रहा है कि 2x² + 7x है ना, -7x + 3 बराबर कितना है? 0 है। अब हम देखिए इस सवाल को है ना पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं, और वहां पर दो को हल निकलेगा, सुंदर सा दो को हल निकलेगा। देखिए कैसे इसको हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 2x² - 7x + 3 बराबर क्या है? 0 है। देखिए पूर्ण वर्ग विधि से सवाल को जब भी बनाना होगा तो पहला काम आपका क्या होगा, x² का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उससे आप दोनों साइड में भाग दीजिएगा। मतलब है ना, दाया पक्ष में और बाया पक्ष, LHS और RHS दोनों साइड में क्या करेंगे? भाग देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना है? 2 है, तो 2 से भाग देंगे दोनों तरफ, ठीक है? तो लिखेंगे दोनों तरफ कितना से? 2 से भाग देने पर। दोनों तरफ कितना से भाग देने पर? 2 से भाग देने पर। चलिए 2 से दोनों तरफ भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x² - 7x + 3/2 बराबर 0/2। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखो इसको अलग अलग कर लीजिए, ठीक है? इतना 2 - 7x / 2 + 3/2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा ना, तो काट दीजिए ना उसको, जो कटने वाला उसको काट दीजिए। अब यहाँ पे हो गया 7x / 2 और प्लस में 3/2 बराबर क्या हो गया? 0। गौर से देखो, x² - 7x + 2 - 7x/2 + 3/2 बराबर कितना है? 0 है। अब देखिए इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से कैसे बनाएंगे वो अब हम समझाएंगे आप लोगों को। गौर से ध्यान दीजिए कैसे सवाल बनता है। x² - 7x / 2 + 3/2 बराबर क्या है? 0 है। देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह मेरे पास है, कभी कभी प्लस चिन्ह आपका आएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर एक फार्मूला होगा जो आप लोगों को पता होगा, a² + 2ab + b² क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर होता है। उसके बाद a² - 2ab + b², ये जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर होता है। समझने का प्रयास कीजिए, ये दोनों फॉर्मूला काफी है ना, VBI फॉर्मूला आप लोगों को पहले से पता होगा, बच्चे क्लास से लोग पढ़े लीजिएगा कि a² + 2ab + b² जो होता है ना वो a + b का होल स्क्वायर होता है, और a² - 2ab + b² जो होता है वो a - b का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। अब सोचिए ये दोनों है ना, देर से दोनों फॉर्मूला काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इसी का सहायता लिया जाएगा इसमें ऐसे, तभी माइनस ना तब माइनस वाला सेकेंड फॉर्मूला दिखिएगा। क्या कहता है? a² - 2ab + b² बराबर क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर होता है। तो पहले इसको सेट कीजिए, ये अपने आप आ जाएगा। तो पहले इसको देखिए क्या है, a² एक जरा यहाँ पर x है तो लिखेंगे x² का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस, तो माइनस देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 देंगे। और गौर से देखिए ना, वो बात है यहाँ पे जो a लिखा है ना वह यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं है, तब ये मेरे पास यहाँ पर x है तो x है ना वो a के जगह पे काम कर रहा है कि नहीं। अब उसके बाद जब बी है वो अगला टर्म वाला है, तो अगला टर्म अभी हम लिखे कहाँ है, तो बी का सेटिंग करना होगा यहाँ पर। बी का सेटिंग कैसे करेंगे? गौर से देखिए, आपके पास एक्स का जो कोफिशियंट है ना उसमें देखिएगा गौर से, एक्स वाला तो मिल रहा है कि नहीं। अब क्या कीजिएगा, ऊपर वाला टर्म को जस के तस रहने दीजिएगा, और नीचे वाला जो टर्म है ना, अर्थात नीचे जो हर है, हर को दुगुना कर दीजिएगा।
अंश जस के तस नीचे वाले चर उसको दुगुना, तो क्या हो जाएगा इसका दुगुना चार लिखेंगे ना। अब देखिए ना ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि दो से जब इसको काटेंगे तो दो दूनी चार तो सात बटे दो इंटू एक्स ऊपर जस का टस है ना। मैथ में कोई है ना फालतू काम नहीं ना करना होता है, या तो उसमें अगर अपना मन से कोई जोड़ते हैं तो घटा दीजिए और गुना करते हैं तो भाग दीजिए, मैथ आपका सवाल का संतुलन रहेगा बैलेंस में रहेगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, अब प्लस में बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये ना बी स्क्वायर है या बी की जगह पर सात बटे चार है ना, तो क्या हो जाएगा सात बटे चार का स्क्वायर हो गया ना। अब गौर से देखिए सात बटे चार का स्क्वायर जब तोड़िएगा तो सात सौ कितना होगा उनचास और चार सौ कितना होगा सोलह, उनचास बटे सोलह क्या ऊपर में है, ऊपर में है नहीं है ऊपर में, तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस है तो क्या करना होगा घटाना पड़ेगा, तो ना मैथ संतुलन में रहेगा अभी ना हम बताए तो भी मैथ संतुलन में रहेगा तो नहीं रहेगा। अब चलिए अब संतुलन में हो गया, अब ऊपर में जो तीन बटे दो है नहीं बचा हुआ इसको जस के तस रन दे तीन बटे दो, बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत है, चलिए नहीं दिक्कत है। अब हम लोग गौर से देखते हैं तो पता चलता है यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला है, कौन फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या कहता है ए स्क्वायर माइनस टू प्लस बी स्क्वायर कहता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सुनिए ना ए के जगह पे यहाँ पे एक्स है और बी के जगह पे क्या है सात बटे चार है, इतना का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जब टर्म होकर लिख लीजिए इसको तोड़िएगा तो सात सात उनचास और चार चौक सोलह हुआ तीन बटे क्या हो गया दो बराबर क्या हुआ जीरो। अब यहाँ से आगे ध्यान दीजिए या एक्स माइनस सात बटे चार तो वो रहने दीजिए आई चक्रा सब उधर ले जाइए, ये माइनस में होती प्लस में उनचास बटे सोलह प्लस में तो माइनस में तीन बटे क्या हो गया दो हो गया। अब इसका काम हम लोग है ना आगे करेंगे, देखिए इसका काम हो ना हम लोग ऐसे आगे करते हैं क्या प्रोसेस इसका है आगे देखिए गौर से देखिए इसे यहाँ पर है एक्स माइनस सात बटे चार का होल स्क्वायर, इसको बड़ा लिखिए एक्स माइनस सात बटे चार का होल स्क्वायर बराबर उसका कैलकुलेशन कीजिए सोलह और दो कितना है सोलह और दो का एलसीएम याद करेंगे लॉसेज याद करेंगे कितना होगा सोलह, सोलह से भाग दीजिएगा तो एक एक उनचास से कीजिएगा तो उनचास माइनस दो से कीजिए भाग दीजिएगा सोलह में तो कितना होगा दो से आठ और आठ को तीन से आठ किया चौबीस, यहाँ से ध्यान दीजिए एक्स माइनस सात बटे चार का हो गया होल स्क्वायर बराबर और एक बार घटाएंगे तो पच्चीस बटे सोलह वह ना देखिए गौर से। अब यहाँ पर एक्स माइनस सात बटे चार एक स्क्वायर उधर जाएगा तो उधर जाएगा तो प्लस माइनस होगा पीछे बताया हुआ है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर यहाँ होगा प्लस माइनस रूट अंडर पच्चीस बटे कितना सोलह, यहाँ से एक्स माइनस सात बटे चार बराबर है प्लस माइनस पच्चीस, पच्चीस का वर्गमूल क्या होता है पांच, यहाँ लिखिएगा पांच अब बटा में सोलह, सोलह का वर्गमूल क्या होता है चार होता है ना, यहाँ पे चार लिखिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है ना, सब बनेगा सवाल जब बना बनना शुरू हो जाएगा तो खूब मजा आएगा सवाल बनाने में देखते रहिए ना ये। अब यहाँ से देखिए जब एक्स अब लिखेंगे एक्स बराबर एम माइनस वाला उधर ले जाएंगे तो जाएगा सात बटे चार और प्लस माइनस पांच बटे कितना चार, एक्स का मान निकल गया सात बटे चार प्लस माइनस पांच बटे चार। अब इसके बाद थोड़ा इधर तो हम मिटा लेते हैं तो ना फिर लिखेंगे तो देखिए गौर से ध्यान दीजिएगा पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए पूरा समझ में आएगा पूरा समझ में आएगा, न समझ में वीडियो को रोक दीजिएगा तो बैक करके फिर देखिएगा इसे तब समझ में फिर आएगा। x बराबर कितना रिजल्ट आया मेरे पास x बराबर आया है सात बटे चार प्लस माइनस पांच बटे कितना आया है चार, एक बार प्लस चिन्ह लीजिए एक बार माइनस चिन्ह लीजिए तो लिखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर क्या लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर ऐसे लिखिएगा हम जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा प्लस चिन्ह लेने पर देखिए प्लस चिन्ह जब लेंगे तो क्या होगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा सात बटे चार प्लस पांच बटे चार, इसका एडिशन याद कीजिए चार का चार होगा भाग दीजिएगा तो सात प्लस पांच हो जाएगा हुआ कि ना होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए सात पांच कितना हुआ बारह बटे चार आ जाएगा, अब यहाँ से ना बाहर काट दीजिएगा तो तीन यहाँ हो जाएगा तीन आ गया। अब उसके बाद लिखते हैं माइनस चिन्ह लेने पर क्या लेने पर माइनस साइन लीजिएगा प्लस लिए थे एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे दो लिखे हैं माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर चलिए माइनस चिन्ह लेते हैं तो क्या होगा
एक्स बराबर सात बटे चार और माइनस अगर प्लस लिए थे अगर माइनस ले रहा है तो सात बटे चार माइनस पांच बटे चार लॉस से ज्ञात कीजिएगा तो चार ये हो जाएगा सात माइनस पांच बराबर दो बटे कितना चार काटिएगा तो कितना आ गया बोलिए एक बटे दो आ गया। तो देखिए दो को आंसर आया है एक बार एक्स का माना है तीन और एक बार एक्स के माना है एक बटे दो। अब पहले ही आप लोगों को पता है कि द्विघात समीकरण है तो दू गो तो हल होबे करेगा होगा कि ना होगा। थोड़ा देर पहले जब पिछल का वीडियो था पांचवा वीडियो उसमें भी आप लोग देखे होइएगा गुणनखंड विधि से जब निकाले थे तो क्या गो हल निकला था दू गो हल निकला था कि नहीं। और यहाँ पर भी दुए गो हल है यहाँ पर भी क्या गो हल है यहाँ पे हम दुए गो हल निकाले हैं तो वही हो गया एक बार एक्स के मान निकला है तीन और एक्स के मान निकला है एक बटे दो। क्या किए ना दू गो मान के अलावा और कोई मान हो सकता है अरे होगा अरे भैया होबे नहीं करेगा दुए गो माने होगा क्योंकि मगाइए तुम लोगों को बता दिए थे कि द्विघात समीकरण केवल दुए हल होता है तो यहाँ पे दुए गो हल होगा एक हल होगा तीन और दूसरा हल क्या हो जाएगा एक बटे दो लास्ट में लिख दीजिएगा इसलिए एक्स बराबर कितना तीन और तथा क्या हो जाएगा एक बटा दो यही आपका क्या हुआ सुंदर सा है ना अच्छा सा एक आंसर हुआ। समझ में बात आई कि नहीं आई समझ में बात आया कि नहीं यार इसको बढ़िया से समझिएगा। तो यह पहला क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन हम बना के दिखाए हैं कि कैसे पूर्व विधि से बनाया जाता है और यह होता है पूर्व विधि यह होता है कोई नया पूर्व विधि ना यह होता है पूर्व विधि। अब चलिए वो क्वेश्चन और हम दो क्वेश्चन लिए थे चलिए दूसरा क्वेश्चन को भी बनाते हैं कि कैसे इसको पूर्व विधि से फिर बनाएंगे ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम नोट करते हैं देखिए दूसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन यदि आ गया आपको बनाने तो दूसरा क्वेश्चन को ना कॉपी लेके जल्दी से ना कलम उधर उठाइए और जल्दी से उसको बनाने का प्रयास कीजिए दूसरा क्वेश्चन को अगर थोड़ा मोड़ा अगर ना लग रहा है कि दुविधा थोड़ा कष्ट उष्ट है बढ़िया से न तक समझ में आया है तो दूसरा वीडियो को अच्छा से देखिए उसके बाद बनाइएगा समझ गए। आपके पास बुक होगा उस बुक में से सवाल लेके बनाइएगा अगर तुमको दिक्कत है तो अगर आ गया तो जल्दी से दूसरा सवाल बनाए लो जल्दी से दूसरा सवाल बना लो अरे ना दिक्कत है तो देखिए इस वीडियो को। दूसरा क्वेश्चन क्या है तो है दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस चार बराबर कितना है जीरो। क्या है दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस चार बराबर कितना दिया हुआ है जीरो दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे सवाल तो देखिए गौर से वही पूरा विधि काम करना है पूर्ण विधि का नियम है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट अर्थात है ना गुणांक से दोनों तरफ क्या करना दो है ना भाग देना। तो चलिए एन एक्स स्क्वायर कोफिशियंट दो है ना दो से दोनों तरफ भाग दीजिए लिखिए दोनों तरफ दो से भाग देने पर दो से क्या करने पर याद रखिए भाग देने पर तो दोनों तरफ दो से भाग देते हैं। तो चलिए दो से भाग दीजिए तो दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस चार बटे क्या हो गया दो बराबर जीरो बटे दो। अब देखिए गौर से इसको अलग अलग छिटका लेंगे ठीक है तो इसको छिटकाइएगा तो हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर बटे दो और प्लस में एक्स बटे दो और माइनस में चार बटे दो बराबर जीरो में दो से भाग दीजिए कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए यहाँ से दो से दो कैसे यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बट टू और यहाँ ये कटने वाला है चार बटे दो कट जाएगा ना दो मरतबे तो दो बराबर क्या हो गया जीरो कटने वाला था सुबह ना काट देंगे हम लोग। अब देखिए आगे है यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे दो माइनस दो बड़ा जीरो प्लस रे बउआ प्लस तो प्लस जब भी आएगा ना तो समझ जाना ऊपर का फॉर्मूला ऐसे पहले क्या था माइनस ना आया था इसलिए नीचे वाला लगाया था अभी ऊपर वाला तो प्लस तो चलिए पूरा वही खेला कीजिए था एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर ना हो गया और प्लस में टू है तो प्लस में टू और ए ये है ना ये तो यहाँ पे ए के जगह पे एक्स है तो लिखेंगे ए के जगह पर एक्स और बी ने बी देखो क्या होगा तो बी तो अगला है तो बी तो पते नहीं चलेगा तब बी का सेटिंग करेंगे क्या करेंगे सेटिंग करेंगे हम बताएं ना बी का सेटिंग कीजिएगा अगर शुरू में एक्स के शुरू में ना पूछो तो एक है तो ऊपर वाला जस के दस और नीचे में जे दिया रहेगा ना ओकरा दुगुना कर देना तो दू के दुगुना करवा तो क्या होगा चार होगा। अब माहिर अब देखिए गौर से यह तो सेट हो गया इसको काटेंगे तो ये ना आएगा ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर तो बी के जगह बटे चार ना है तो प्लस में एक बटे चार का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया ये एकड़ा काम किया था तो ये आया था और ये काम किया तो ये तो न है ये तो प्लस तो फालतू हो गया एक बटे चार का होल स्क्वायर जो जोड़े हैं अपना मोल से तो एक बटे सोलह हो गया ऊपर दिया हुआ न दिया हुआ तब क्या करेंगे घटा लेंगे
मैडम गणित है ना एकदम बैलेंस में रहेगा, जितना जोड़े उतना घट गया, अब ऊपर में माइनस तो है तो जिसको चस्के तस्मूज कर दीजिए। ठीक है, आगे कर दीजिए। यहां से यहां तक पूरा फॉर्मूला बन गया, एक्स प्लस एक बटे चार का होल स्क्वायर हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ से फॉर्मूला उसके बाद क्या है, एक बटे चार का खींचेगा तो चार चार सोलह और उसका दो के दो बराबर जीरो। अब देखिए ध्यान से, एक्स प्लस एक बटे चार का होल स्क्वायर को रहने दीजिए, इसको उधर ले जाइए, एक बटे सोलह प्लस क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब आगे फिर हम लोग काम करते हैं, क्या प्रोसेस है, एक्स प्लस एक बटे चार का क्या हो गया, होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए ना, अगर दो के बटे में कुछ होते क्या होगा, एक होगा और सोलह और एक का लॉस कितना होता है, सोलह, सोलह का लॉस कितना होगा, सोलह, सोलह से भाग देंगे तो एक मरतबे, एक को एक से गुना करेंगे तो एक प्लस, एक से भाग देंगे तो कितना, सोलह, एक से भाग देंगे तो कितना, सोलह, सोलह को दो से गुना करेंगे सोलह दुनी बत्तीस। चलिए यहां से हो जाएगा तो एक्स प्लस एक बटे चार ना हो गया, यहाँ पे आ गया काम कितना, एक्स प्लस कितना आ गया, एक्स प्लस है ना एक बटे चार का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर आई कितना हो गया, जो जो लीजिए कितना हो जाएगा, बत्तीस एक तैतीस बटे सोलह। अब देखिए ना, स्क्वायर तो उधर ना जाएगा, आप पता है स्क्वायर उधर जाता तो क्या होता, प्लस माइनस लगता है ना, वही काम करेंगे। चलिए प्लस माइनस लगाते हैं, तो एक्स प्लस एक बटे चार बराबर प्लस माइनस है, प्लस माइनस तैतीस बटे सोलह का क्या हो जाएगा, ए या यार सॉरी सॉरी वर्गमूल ना होगा, क्या स्क्वायर उधर जा रहा है, यहाँ पे ना रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक से ध्यान दीजिएगा, एक बराबर ये प्लस में एक बटे चार है ना, उधर जाएगा तो माइनस में एक बटे चार, प्लस माइनस इसका वर्गमूल भी काम हो जाएगा, तो है ना नीचे का निकलेगा ऊपर छोड़ दीजिएगा, तो ऊपर तैतीस का नीचे सोलह कितना हो जाएगा, चार। अब देखिए एक्स का मान निकल गया, माइनस एक बटे चार प्लस माइनस रूट तैतीस बटे कितना निकला है, चार निकला है। अब चलिए एक बार देखिए उसको ना, अब हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। अगला प्रोसेस क्या है तो देखिए, इसे पीछे भी हम बता चुके थे, पिछले वीडियो में भी, अभी भी हम बता रहे हैं, पिछले वीडियो में गुणनखंड विधि से था सवाल को बनाना, और इस वीडियो में हम लोग बता सीखे हैं पुनर्पूर्ण वर्ग विधि से सवाल को कैसे बनाया जाता है। तो पहला सवाल जिससे पहले हुआ था, दूसरा सवाल क्या है, रिजल्ट आने वाला क्या है। यहाँ पर एक्स बराबर माइनस एक बटे चार प्लस माइनस रूट तैतीस बटे कितना दिया हुआ है, चार दिया हुआ है। अब क्या कीजिए, एक बार प्लस साइन लीजिएगा, एक बार माइनस साइन लीजिएगा, तो लिखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस एक बटे चार और प्लस में रूट तैतीस बटे चार, इसका लॉस ज्ञात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, चार, चार चार का लॉस चार, चार से भाग दीजिएगा तो एक होगा, एक को कीजिएगा तो कितना हो गया, माइनस एक, अब प्लस में भाग दीजिएगा तो रूट तैतीस हो गया ना, हो गया ये कैंसर, यह हुआ। अब लिखते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, चलिए माइनस चिन्ह लेते हैं तो क्या होगा, एक्स बराबर माइनस एक बटे चार और प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा रूट तैतीस बटे कितना, चार, एलसीएम ज्ञात करेंगे तो चार भाग देंगे तो माइनस वन, माइनस रूट कितना हो गया, तैतीस, एक बार यह हुआ एक बार यह हुआ, दो मान निकला ना, तो देखिए एक्स का मान फिर मेरे पास दो गो मान आया कि नहीं आया, और दुए गो मान आएगा क्योंकि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कब हल होता है, दो हल होता है, तो दो हल होगा, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए x बराबर कौन कौन हो गया, एक माइनस प्लस रूट तैतीस बटे कितना, चार हुआ, और दूसरा जो हल है वह है माइनस वन माइनस रूट तैतीस बटे कितना, चार, इसका हल, यही आपका क्या हुआ, सुंदर सा एक आंसर हो गया जो इस सवाल का आंसर है। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो अभी हमें ना पूर्ण वर्ग विधि से दो सवाल को बताए हैं, पिछला जो वीडियो था यह छठा लेक्चर है, ठीक है, यार ये छठा वीडियो पे चल रहा है, द्विघात समीकरण का छठा, इससे पिछला जो वीडियो था उसमें बताया था गुणनखंड विधि से सवाल को कैसे बनाते हैं, उसका दुगो है ना हल निकाले थे गुणनखंड विधि से, और यह जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग सीखे हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से सवाल को कैसे बनाया जाता है, किस विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से सवाल को कैसे बनाया जाता है। अब जो अगला जो वीडियो में हम लोग ना सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे, आपको हम सिखाएंगे, हम सिखाएंगे कि ना फॉर्मूला से सवाल को कैसे बनाया जाता है उस पर, ठीक है, तब हम दो क्वेश्चन को बनाए हैं। अगर सवाल में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो ना तो वीडियो को रोक को देखिए, रोक के देखिएगा, उसको बैक कीजिएगा, एक बार टैप कीजिए पते होगा 10 सेकंड होता तो दो चार बार टैप कर दीजिएगा, पीछे हो जाएगा वीडियो को, उसमें पॉज करके देखिएगा, और है ना एक है ना आपसे आग्रह है कि कलम और कापी साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि जहाँ भी कोई डाउट्स होगा तो उसको नोट कर लीजिएगा कि नहीं आपके लिए फायदेमंद है तो उसको नोट कर लीजिएगा, और नहीं तो वीडियो में उसे रहे करता है, ऐसे वीडियो तो सब डला ही हुआ है, उसको कभी भी देख सकते हैं, लेकिन उसका नोट यदि तैयार करते हैं तो आपके लिए क्या रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, समझ गए नहीं इसमें,
क्लियर है ना। इसे आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखे हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से सवाल को कैसे बनाया जाता है, बस हो जाएगा कि नहीं। अगला वीडियो में है ना फिर से हम आगे मिलते हैं, इसमें आपको सिखाएंगे कि फॉर्मूला विधि से सवाल को कैसे बनाया जाता है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।